लोग हमेशा अपने पैसे और अपनी चीजों का हिसाब रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने जीने के तरीके या विकास या ठहराव का हिसाब रखते हैं। लोगों ने यह तरीका अपनाया है कि अगर जीवन में छोटी गलतियां होती हैं तो वो एक छोटा प्राणी ढूंढकर कहेंगे कि उसकी वजह से हुआ। मैं पति की बात कर रहा हूं। बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो उसकी वजह से हैं। ऊपर मौजूद बड़ा प्राणी, इस प्राणी का हिसाब नहीं रखा जाता। छोटे लोग और बड़े लोग, ये इंसान कुछ पाते समय ये बहुत बड़ा होने का दिखावा करता है, पर देते समय बहुत छोटा बन जाता है। लोग ऐसे बन गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई हिसाब नहीं है, कोई स्पष्ट बैलेंस शीट नहीं है कि मैं अपने जीवन में कहां हूं। 5 साल की उम्र में आप कितने खुश थे, आज कितने खुश हैं? बैलेंस शीट फायदा हुआ या नुकसान? मैं प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कुछ लोगों से बात कर रहा था और मैंने चारों ओर देखा। कई लोगों के चेहरे दुखी थे। विशेष रूप से विश्वविद्यालय में लोग ज्यादा दुखी नजर आते हैं। शायद ये ज्ञान का भार है, पता नहीं। मैंने चारों ओर देखा, 3-4 चेहरे छोड़कर जो युवा चेहरे थे, जो खुश थे, बाकी सभी। तब मैंने पूछा, 30 साल से ज्यादा उम्र के इन लोगों को क्या हुआ है? वो दुखी क्यों लग रहे हैं? एक महिला खड़ी होकर बोली, उनकी शादी हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि रोज का हिसाब किताब नहीं रखा गया है। हर दिन सोने से पहले अगर आप एक बैलेंस शीट रखते, आज क्या मैं थोड़ा बेहतर इंसान हूं या थोड़ा बुरा हूं? रोज अगर आपके पास अकाउंट होते, अगर एक सालाना ऑडिट होता, तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते। पर 25 साल बाद एक दिन आपको पता चलता है कि हालत बुरी है। अब ठीक होना बहुत मुश्किल है क्योंकि हालत बुरी है, इतनी बुरी कि बहुत सारे लोग तर्क देते हैं। कई लोग वाकई ये तर्क दे रहे हैं कि खुश होना व्यावहारिक नहीं है। आपको ऐसे लोग मिले? आया ना? People are making a case that it is not practical to be joyful. लोग दावा कर रहे हैं कि खुश होना व्यावहारिक नहीं है। क्या तनाव और परेशानी की स्थितियों में भी दुनिया में ठीक से काम किया जा सकता है? अगर किसी को अलग अलग माहौल में, अलग अलग परिस्थितियों में, विभिन्न चुनौतियों में रोज कार्य करना हो, तो एक बुनियादी बात यह है कि इसे शांत और आनंदित होना चाहिए, है ना? अदरवाइज हाउ इज इट प्रैक्टिकल? वरना अत्यधिक तनाव या परेशानी में भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र या काम में अच्छे से काम कैसे कर पाएगा?